डायबिटीज के मरीज के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डायबिटीज का मरीज पूरे जीवन की जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये है कि उसे लगता है कि वो भोजन के अंदर शक्कर नहीं ले रहा तो उसकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, पर वो ये भूल जाता है एक पीकी शक्कर भी होती है जिसे स्टार्च कहते हैं, और अगर वो स्टार्च अपने भोजन में खाएगा तो उसकी ब्लड शुगर डेफिनेटली स्पाइक करेगी, क्योंकि ये पेट में जाने के बाद ग्लूकोज बनाता है और फिर आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करता है, और ये स्टार्च आपके हर भोजन के अंदर है। तो अगर इसे आपने समझ लिया तो डायबिटीज के अंदर कंट्रोल ही नहीं, रेमिजन और रिवर्सल भी कर सकते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि हर मरीज डायबिटीज का रिवर्सल ही कर पाए, हो सकता है कुछ मरीज ना भी कर पाए। तो मेरा ये एम है कि मैं इतने उनको ऑप्शंस दे दूं कि उनकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो जाए कि वो खाते पीते हुए अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं, दवाइयां मिनिमल पर रख सकते हैं, या इवन अपनी डायबिटीज का रिवर्सल कर सकते हैं। तो ये जो मेन कल्प्रिट है स्टार्च, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे, पर हमारा आज का मेन टॉपिक है इवनिंग स्नैक्स। इसके साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट के रूप में हम स्टार्च के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि ये स्टार्च और किस किस भोजन के अंदर है जिसके कारण आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहते हैं, और बढ़ती हुई शुगर, हर मील के साथ शुगर बढ़ती है, जब वो शुगर बढ़ती है तो उसको आप दवाइयां खा करके फिर सप्रेस करते हैं, तो इन सब चीजों से किस प्रकार बचा जाए, इनमें भी इन लेंथ चर्चा करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसे आखिरी तक देखें, और ये भी जानेंगे कि हमारे लिए बेस्ट इवनिंग स्नैक्स कौन से हैं जिससे हमारी शुगर स्पाइक ना हो, कंट्रोल में रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, परंतु ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर जरूर करें, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। देखिए इवनिंग स्नैक्स में जो सबसे कॉमन स्नैक्स हैं वो यही हैं, मखाने या तो लोग खाना पसंद करते हैं, या फिर सेवपूरी, या फिर भेल, कलकत्ता साइड में, या फिर बिहार में, उड़ीसा में लोग झालमुरी करके एक डिश बनती है वो खाते हैं, काफी टेस्टी होती है, पर बनती अल्टीमेटली वो कुरमुरे से है, तो क्या उसमें प्रॉब्लम है वो समझेंगे, या फिर शाम की चाय के साथ में लोग कुछ बिस्किट्स मारी, या फिर शुगर फ्री बिस्किट। अब शुगर फ्री बिस्किट तो देखिए ये धोखा देकर के किसी को बिस्किट खिलाना है, और उन शुगर फ्री बिस्किट्स में बेसिकली मैदा है, तो वो मैदा आपकी ब्लड शुगर बढ़ाती है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। फिर कुछ लोग नमकीन के अंदर सेव भुजिया टाइप की चीज लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग चना या फिर मूंगफली लेना पसंद करते हैं, तो इनमें से क्या बेटर ऑप्शन है। जैसे चना, अगर कोई दुबला पतला इंसान लेता है डायबिटीज के अंदर तो शुगर तो उतना स्पाइक नहीं करेगा, पर उसके वजन पर इंपैक्ट आएगा, वजन घट सकता है, और अगर बड़ी क्वांटिटी में चना खा लेगा तो शुगर बढ़ भी सकती है, हालांकि इसका जीआई कम है। वहीं अगर कोई ओबीज पर्सन अगर मूंगफली ज्यादा खाता है तो वजन नहीं घटेगा, भले शुगर उसका कंट्रोल में रहे। तो कौन से स्नैकिंग ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं, कौन से शुगर नहीं बढ़ाएंगे, कौन से ओबीज खा सकते हैं, कौन से स्लिम लोग खा सकते हैं, ये इन लेंथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्या कोई ऐसा भी स्नैक्स है जो इन सबसे बेहतर है, उसकी भी चर्चा करेंगे, और उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस वीडियो के आखिरी में। तो आइए शुरू करते हैं। मखाने के अंदर, ये जो मखाना आप देख रहे हैं इसमें आखिर समस्या क्या है, मखाने के अंदर समस्या क्या है, ये हम पहले समझेंगे, क्योंकि मखाना कई लोग खाते हैं, और बिहार के अंदर तो ये वो साइड में तो इसका कल्टीवेशन होता है, तो उधर तो इसका कंजम्पशन भी अच्छा खासा है, और पूरे इंडिया में ही है, और फेस्टिवल सीजन में खास तौर से। तो मखाने में होता क्या है पहले हम वो समझते हैं। देखिए इसके अंदर टोटल कैलोरी है लगभग 350, जो किसी भी अनाज के लगभग लगभग बराबर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, 77 ग्राम, ये मेन कल्प्रेट है। परंतु इसमें चूंकि फाइबर बहुत अच्छा है 14.5, इसलिए कई डाइटिशियन और कई बुक्स रिकमेंड करती हैं कि डायबिटीज का मरीज अगर मखाने खाता है तो लो जीआई है, इसकी शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी, पर अल्टीमेटली इसमें 62.5 ग्राम जो है इतना स्टार्च है। ये स्टार्च होता क्या है, स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज का बंडल है,
जो आपके खाने के बाद में मुंह के सलाइवा जिसे हम बोलते हैं लार, उससे या फिर पेट के अंदर जो एंजाइम्स निकलते हैं सलाइवरी एमाइलेज या फिर पेट का गैस्ट्रोएन्टेरिक एमाइलेज, तो इनसे ये मेटाबोलाइज होकर के ग्लूकोज बना देता है, वो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाता है। तो बेसिकली स्टार्च है क्या, देखिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए बनाई है जिसमें आपको स्टार्च के बारे में बताऊंगा, तो आप आगे की भी स्लाइडों को और अच्छे से समझ पाएंगे। और इस स्टार्च को यदि आपने समझ लिया तो आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो गई। फिर आपको खाली ये जानना है कि किस भोजन में कितना स्टार्च है और कैसे उसको अवॉइड करें, उसका अल्टरनेट क्या लें। देखिए जहां तक सवाल है कार्बोहाइड्रेट का, हमारे भोजन के अंदर तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, एक है प्रोटीन, दूसरा है कार्ब और तीसरा है फैट। डायबिटीज में प्रोटीन और फैट से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेन है, हालांकि फैट से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, पर मेन प्रॉब्लम है कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरह का होता है, तो जो आपके खून में ग्लूकोज घूम रहा है वो है ये वाला, ये ग्लूकोज। इसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है C6H12O6। आपको इतने टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, मैं मोटा मोटा आपके हिसाब से समझाता हूं। इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, मतलब एक मॉलिक्यूल वाला चीज, एक मॉलिक्यूल वाला चीज क्या है कार्बोहाइड्रेट में, वो है ग्लूकोज। वैसा ही एक मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज, जो आपके फलों में होता है। ग्लूकोज तो आपने ग्लूकोन डी मार्केट में देखा होगा, फ्रक्टोज वो शुगर है जिसको बोलते हैं फलों की शक्कर, और ये हमारे शुगर को डायरेक्ट स्पाइक नहीं करेगी पर लिवर का लोड बढ़ाएगी, तो वो भी अल्टीमेटली नुकसान करेगा। फिर तीसरा आता है यहां पर गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज जो है ये दूध की शक्कर है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल, और तीनों का केमिकल फार्मूला सेम है पर इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जैसे तीन भाई या भाई बहन। तो दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है डाइसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड क्या है, ये मीठा है, स्वीट है, आप खाएंगे मीठा लगेगा, आप हटा देंगे कि भाई मैं तो डायबिटिक हूं मैं तो मीठा नहीं खाऊंगा। वैसे ही जो डाइसैकेराइड है वो भी मीठा है, और इसमें सबसे ऊपर क्या आता है, आपकी शक्कर, जो आप शुगर खाते हैं, रिफाइंड शुगर, और यही रिफाइंड शुगर आपके गन्ने में भी है, हनी में भी है, और ढेर सारे आपके फ्रूट्स के अंदर है। तो ये जो शुगर है ये कैसे बनती है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, और दोनों ही मीठे हैं, सुक्रोज खुद मीठा, ग्लूकोज मीठा, फ्रक्टोज मीठा, तो ये भी आपका शुगर बढ़ाएगा। तीसरा आता है दूध की शक्कर, तो दूध की शक्कर गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनी है, तो ग्लूकोज तो आपकी शुगर बढ़ाने ही वाला है, पेट में गया टूटा और उसके बाद में ग्लूकोज ने आपकी शुगर बढ़ा दी, और गैलेक्टोज क्या करेगा, लिवर में जाएगा, फिर आपकी शुगर बढ़ाएगा या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है माल्टोज, माल्टोज ग्लूकोज से ही बनता है, तो जैसे जौ उससे आता है ये, तो ये सारी चीजें भी मीठी हैं और आपकी शुगर बढ़ाएंगी, ये मोनो और डाइसैकेराइड। अब आता है तीसरा कैटेगरी जो है ऑलिगोसैकेराइड, इसके अंदर इसी ग्लूकोज के, देखिए सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है, ये ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज के जब 3 से 9 मॉलिक्यूल होते हैं तो ये बनता है ऑलिगोसैकेराइड। ये स्वाद में मीठा है पर इसको ब्रेक करने के एंजाइम्स पेट में है ही नहीं, तो कुछ शुगर फ्री स्वीटनर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आप अक्सर चीजों को मीठा करने के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉस है, फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड, वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है और कई मिठाइयों में यूज भी किया जाता है, तो ये लेना आपके लिए सेफ है, ये मीठी मीठा है पर लेना सेफ है, पर एक मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं, नहीं तो आपका जीआई अपसेट हो सकता है। पर मेन कल्प्रिट ये ग्रुप है, और ये ग्रुप बनता कहां से है, इसी ग्लूकोज से, इसी ग्लूकोज के अगर मल्टीपल मॉलिक्यूल, कितने 10 मॉलिक्यूल से, कितने ये 10 उंगली के बराबर, ये 10 मॉलिक्यूल से अगर 20 लाख मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो गए तो एक मॉलिक्यूल बनता है स्टार्च का, और ये मीठा नहीं है भाई, ग्लूकोज मीठा है। आप सोचेंगे कि 10 से 20 लाख मॉलिक्यूल अगर चिपक गए तो क्या हुआ, ये भी तो मीठा होगा, और ये मीठा नहीं है, ये फीका है, इसी धोखे में आप इसको खाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टार्च। तो हुआ क्या, प्रकृति में ग्लूकोज बाइंड हो गया और उसने बना दिया स्टार्च। ये स्टार्च आपने खाया तो मुंह में और पेट में, ये टूटा किस में,
ग्लूकोज के अंदर, तो ये स्टार्च से क्या बन गया, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब पेट में गया, एब्जॉर्ब हुआ खून के सर्कुलेशन में, तो आपको यहां पर मैं एक बात बता दूं, आपके बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसके अंदर कुल मिलाकर के ग्लूकोज कितना है, एक चम्मच। ये ग्लूकोज एक चम्मच है, तो आपकी ब्लड शुगर रीडिंग आएगी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यही अगर 2 चम्मच ग्लूकोज हो गया तो ये 200 पे पहुंच जाएगी, और 3 चम्मच हो गया तो 300 पे पहुंच जाएगी। तो ये जब आपके पेट से इतनी बड़ी मात्रा एब्जॉर्ब होती है, जैसे मखाने के अंदर 62% स्टार्च है, तो ये क्या बनाएगा टूट के, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब इतनी बड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब होगा और ब्लड में पहुंचेगा, तो जब ब्लड में पहुंचता है तो इसको लिवर खींच करके स्टोरेज में डाल देता है। तो स्टोरेज में किस रूप में स्टोर होता है, ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो एनिमल स्टार्च को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। तो खून में कितना घूम रहा है, 1 ग्राम, परंतु आपके बॉडी में कितना स्टोर हो गया ग्लाइकोजन, मतलब यही वाला ग्लूकोज। ग्लूकोज बॉडी में गया स्टार्च के रूप में, कन्वर्ट हुआ पेट के अंदर ग्लूकोज में, एब्जॉर्ब होकर के गया ब्लड फ्लो में, ब्लड फ्लो से लिवर में आया, लिवर ने उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन के रूप में ये 500 ग्राम रह सकता है, इसके ऊपर होगा तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा आपके बॉडी में, या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा। तो ये पूरी चेन है। अब हुआ क्या, या तो ये एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा, और इसके बीच में एक और आता है फाइबर। ये फाइबर भी इसी ग्लूकोज से बनता है, मल्टीपल मॉलिक्यूल, जैसे ऊपर स्टार्च के वैसे ही इसके। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जो फाइबर है ना, ये हमारे पेट के एंजाइम से ब्रेक नहीं होता। तो जब ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, मोशन में चला जाएगा। तो मोशन बनाने के काम में आता है ये फाइबर, इसलिए हमारे डाइट में फाइबर होना जरूरी है। और मखाने में क्या बोला गया कि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर है, और जब फाइबर बड़ी मात्रा में हो स्टार्च के साथ, तो स्टार्च तो ब्रेक होके ग्लूकोज में बदल गया, पर ये फाइबर उस स्टार्च के बदले हुए ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन कर देता है। तो आपके खून के अंदर धीरे धीरे ये जो ग्लूकोज था, यहां स्टार्च से बना, इससे जो ग्लूकोज बना ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि 14.5 ग्राम उसके अंदर फाइबर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई स्टार्च की। अब यही स्टार्च आपके चावल में 80% है, और आपके अनाज में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें है 60-70%। तो ये मेन कारण है आपकी डायबिटीज का। तो हम लौट के आते हैं अपने स्नैकिंग ऑप्शन पर। तो मखाना इसलिए बड़ी मात्रा में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, 4-6 दाने आप ले सकते हैं, पर अगर आप सोचे बॉल भर के लेना है तो आपकी शुगर स्पाइक होने वाली है। तो इसको अवॉइड करें इवनिंग स्नैक्स के ऑप्शन में। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम देखेंगे, ये नेक्स्ट ऑप्शन है पफ्ड राइस, या जिसको हम बोलते हैं कुरमुरा। कुरमुरा अक्सर हम कहां खाते हैं, भेल के अंदर, झालमुड़ी के अंदर, जो अपने वेस्ट बंगाल साइड में बनती है। इसके अंदर आपका जो टोटल कार्ब है वो है 90%। आप बोलेंगे भाई 90 क्यों है, चावल में तो 80 होता है, इसमें 90 कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि इसको आप सेकते हैं, पफ करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो मॉइस्चर पूरा निकल गया। चावल में 7-8% मॉइस्चर होता है, तो जब वो मॉइस्चर निकल गया तो ये और प्योरिटी बढ़ गई आपके चावल की। तो ये पहुंच गया कार्बोहाइड्रेट 80-90% पर, 82-90% पर, और इसके अंदर फाइबर है मात्र 2 ग्राम, अदरवाइज चावल में फाइबर कितना है, 1.5 ग्राम, और कॉन्सेंट्रेट हो गया, और शुगर पहुंच गई उसकी स्टार्च, वही वाला स्टार्च जो ग्लूकोज है, वो पहुंच गया 88% पे। तो ये तो आपकी ब्लड शुगर रॉकेट कर देगा। और प्रोटीन इनमें कितना है, देखो 6 ग्राम इधर है, फैट देखो 5 ग्राम है, तो प्रोटीन और फैट की मात्रा काफी कम है। और वही चीज आप पीछे की स्लाइड में भी देखिए, मखाने के अंदर प्रोटीन प्रोटीन लोग चिल्लाते हैं, उसमें 9 ग्राम प्रोटीन है और 5 ग्राम फैट है, पर इस 9 ग्राम प्रोटीन के चक्कर में आपको 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो ये आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, आपको प्रोटीन के लिए मखाना खाना है, फाइबर के लिए खाना है, या फिर इसके कार्बोहाइड्रेट से बचना है। तो अब जहां तक सवाल है बिस्किट्स का, बिस्किट्स के अंदर मारी बिस्किट काफी कॉमन है, जो आप चाय के अंदर अक्सर खाते हैं, या फिर कुछ शुगर फ्री बिस्किट बेचे जाते हैं आपको धोखा दे करके। शुगर फ्री बोला जाता है पर उसमें मैदा भरपूर है, उसके कंपोजिशन में देखना आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 60-70%, और हार्डली उसमें कुछ फाइबर होगा।
तो अब आप उसका कार्बोहाइड्रेट समझ सकते हैं, उसमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट है, आपकी शुगर बढ़ाएगा। तो मारी बिस्किट्स के अंदर देख लेते हैं, मारी बिस्किट्स के अंदर एनर्जी है 406 किलो कैलोरी और इसके अंदर टोटल कार्ब है 71, फाइबर है मात्र 4 ग्राम, तो इसमें 67 ग्राम नेट कार्ब है जो आपकी ग्लूकोज के अंदर बॉडी में जाके कन्वर्ट होगी। तो समझ लीजिए एक बिस्किट में 1 चम्मच शक्कर है। आप चाय पी रहे हैं, चाय के अंदर आपने शक्कर नहीं डाली पर आपने 4 बिस्किट खा लिए तो 4 चम्मच शक्कर अंदर चली गई, तो ये भी वर्स्ट ऑप्शन है। हाँ, अगर आपको लेना है तो कुछ कुकीज अब आते हैं जो डायबिटीज फ्रेंडली है, जैसे डॉक्टर एरन के भी कुकीज आते हैं, आलमंड कुकीज है, जीरा कुकी है या फिर कोकोनट कुकीज है, वो आप अवेल कर सकते हैं अमेजोन से या डॉक्टर एरन्स की साइट से। इसके बाद में जो नेक्स्ट सबसे अच्छा ऑप्शन अक्सर इवनिंग स्नैक्स में देखने में आता है वो है भुना हुआ चना, या इसकी जगह कई बार लोग फुला करके पानी में भिगा करके चना लेते हैं, उसको बॉइल कर लेते हैं या कई बार स्प्राउट कर लेते हैं। तो चना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है डायबिटीज के मरीज के लिए, ठीक है, बट दिस इज अ मॉडरेट ऑप्शन। क्यों मॉडरेट है? जीआई इसका कम है तो शुगर तेजी से स्पाइक नहीं करेगा, परंतु इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट 58 ग्राम है और इसमें फाइबर अच्छा खासा है 13.5 और नेट कार्ब है 45 ग्राम, तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में वही शुगर जा रही है स्टार्च वाली, तो ये ग्लूकोज बनाएगा, भले धीरे धीरे बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जीआई कम है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, प्रोटीन बहुत अच्छा है। अब ये प्रोटीन की मात्रा बढ़ी तो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे हो गया, तो जीआई जो है वो कम हो गया इसका। तो प्रोटीन का ये अच्छा सोर्स है नो डाउट, परंतु साथ में कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। 100 ग्राम खा लिया तो 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अंदर जाएगा जो ग्लूकोज बनाएगा, शुगर को रॉकेट करेगा। और कई मरीज बोलते हैं सर चना खाता हूं तो भी मेरी शुगर बढ़ती है, चने की दाल खाता हूं तो भी बढ़ती है, धुली दाल खाता हूं तो भी बढ़ती है। रीजन इज दिस, क्योंकि इनके अंदर भी 50-60% कार्ब है, पर दाल की एक कटोरी में कितनी दाल होगी, 20 ग्राम 10 ग्राम उतना आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को रोकता भी नहीं। और चना भी ले सकते हैं, भुना हुआ चना गाजर मूली काकड़ी टमाटर के साथ में काट करके भेल बना करके आप ले सकते हैं, पर मॉडरेशन में ले, 25 ग्राम 50 ग्राम ऐसा ले। पर जो इंसान दुबला पतला है वो ये लेगा तो उसको वेट मेंटेन करने में तकलीफ आएगी, क्योंकि इसमें देखिए फैट मात्र 5 ग्राम और आप अपने बॉडी का फैट इस्तेमाल कर लेंगे तो और आप पतले हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान ओबीज है और वो चना खाता है तो एक बार चलेगा डायबिटीज में, पर अगर कोई दुबला पतला है तो उसके लिए दूसरे ऑप्शंस ज्यादा बेहतर है, तो उनकी भी हम आगे चर्चा करते हैं। परंतु क्या कोई स्नैक्स ऐसा भी है जो इन सबसे बेहतर हो, वो भी हम देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। शुरू में जो थोड़ी सी टेक्निकलिटी आई उसके कारण हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा दिमाग पर आपके स्ट्रेस आ रहा हो, पर अब ये एकदम पूरी तरह से सिंपल है, सिंपल भाषा है, और उस पार्ट को अगर आपने रिवाइंड कर करके अच्छी तरह समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी डायबिटीज जाना तय है या आपकी डायबिटीज का कंट्रोल 110% होगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें। फिर आता है सेव, सेव भुजिया, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेमस है और उन्हीं का ही कंपोजिशन मैंने लिया है, 592 किलो कैलोरी। अगर कोई ओबीस पर्सन है तो भूल के भी ना ले, दुबला पतला है तो भले ले ले, पर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल उसके ठीक होने चाहिए तो ही ले। तो इसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना है, 37 ग्राम, फाइबर मात्र 0.5 है, क्योंकि इसके अंदर ये लोग टेस्ट और क्रंचीनेस के लिए अलग अलग चीजें डालते हैं, तो इसके अंदर फाइबर कितना 0.5 और नेट कार्ब इसमें आ जाता है 36, कुछ में आता है 33 या 32, तो 32 से 36 के बीच में नेट कार्ब घूमता है, तो ये भी डायबिटीज के मरीज के लिए ज्यादा है। परंतु अगर कोई बंदा ओबीज है अवॉइड करे, दुबला पतला है पर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बराबर है तो ये थोड़ा ले सकता है, पर इससे भी बेहतर ऑप्शन है जैसे डॉक्टर एरन्स का चटपटा आता है वो आप ले सकते हैं, उसके अंदर इसी कार्बोहाइड्रेट को घटा करके कुछ 10 से लेकर के 20 के बीच में लेकर के आया गया है, ठीक है, तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली सेफ है। डायबिटीज को कहिए अब गुड बाय, क्योंकि डॉक्टर एरन लाए हैं डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स जो शुगर को कंट्रोल करे आसानी से। डायबिटीज फ्रेंडली आटा, चावल, ब्रेड, कुकीज, नमकीन, स्वीटनर, नूडल्स और मिठाइयाँ, इन सभी में कार्ब्स बहुत कम है इसलिए ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते।
डॉक्टर एरन का ये मिशन है कि पूरे भारत में डायबिटीज फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट्स पहुंचाएं और भारत को डायबिटीज से मुक्त करने में मदद करें। डॉक्टर एरन के साथ शुगर कंट्रोल बड़ी आसानी से। अब क्या कोई इससे भी बेहतर ऑप्शन है? तो डॉक्टर एरन्स ने, जैसा आपको मालूम है, कि एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा है इवनिंग स्नैकिंग के लिए, या कभी भी आप इसकी स्नैकिंग कर सकते हैं, और यह है प्योर वीगन एडमामे बीन्स, जो मार्केट में अवेलेबल है एडमा बीन्स के नाम से। और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट टोटल है मात्र 25.32 ग्राम, और इसमें फाइबर कितना है 14.6। आपने जो पिछली जितनी भी आइटम देखी, मखाना या फिर कुरमुरा या फिर और भी दूसरी चीजें जो आपने पहले देखी हैं, उन सब से, इवन चने से भी ज्यादा इसके अंदर फाइबर है। यहां पर नेट कार्ब कितना है? मात्र 10.7, तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा। अगर आपने मात्र 25 ग्राम की एक सर्विंग इवनिंग में ली, तो आपको जो नेट कार्ब आएगा वो कितना आएगा? 2.7 ग्राम, टोटल कार्ब इतना, और 3.65 ग्राम इसके अंदर फाइबर आएगा। तो ये रिच फाइबर है, लो इन कार्ब है, और सबसे बड़ी बात, दिस इज रिच इन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कितना देगा? 46% प्रोटीन है इसके अंदर। ये सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी, और वो भी वीगन। मतलब अगर आप बादाम खाएं, अखरोट खाएं, कोई अंडा खाए, चिकन खाए, फिश खाए, मतलब वेज नॉन वेज दोनों ही से अधिक इसमें प्रोटीन है, ऑलमोस्ट डबल। इन चीजों में कितना प्रोटीन होता है? नट्स वगैरह में 20 से लेकर 30 ग्राम, और यहां कितना है? 46 ग्राम। तो ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और एक सर्विंग के अंदर मात्र 25 ग्राम की के अंदर 11.6, मतलब करीब 12 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो ये आपके लिए बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, एकदम लो इन कार्ब है, और अब ये 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। यहां पर सॉल्ट वर्जन, उसके बाद में मसाला वर्जन, और तीसरा चीज वर्जन। ये तीनों ही वर्जन अमेजोन पर और लॉन्ग लिव लाइफ की साइट पर अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं, और अमेजोन पर, लॉन्ग लिव लाइफ पर, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर मेरा एम यही है कि मैं इतने सारे ऑप्शंस आपको डायबिटीज के अंदर दे दूं कि आप उनको खाते पीते हुए बिना किसी प्रकार की चिंता किए हुए अपनी ब्लड शुगर का ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल भी कर पाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आटे का अल्टरनेट हम लोग लेकर के आए कीटो आटा, राइस का अल्टरनेट शीराता की राइस, नूडल्स का अल्टरनेट शीराता की नूडल, ब्रेड का अल्टरनेट कीटो ब्रेड का आटा, या फिर बिस्किट्स नमकीन के ऑप्शन, या इस प्रकार के स्नैक्स, इवन मिठाइयां, स्वीट्स तक अवेलेबल हैं जो डायबिटीज फ्रेंडली हैं, उनका सेवन करने से आपकी शुगर स्पाइक नहीं होती। तो मेरा एम ये है कि आप बहुत ही आसानी से अपनी डायबिटीज को बढ़ने से रोकें, रेमिजन और रिवर्सल करें। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो लास्ट स्नैकिंग ऑप्शन है वो है मूंगफली। अब मूंगफली के अंदर कैलोरी इतनी हाई होती है, 569 किलो कैलोरी, तो यदि कोई ओबीज पर्सन है वो इसका इस्तेमाल या तो ना करे या फिर मॉडरेशन में करे इवनिंग स्नैक्स के अंदर। पर हां, इसके सेवन से आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट मात्र 7 ग्राम है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी है 26 ग्राम है, वहीं पर फैट की मात्रा बहुत अधिक है, क्योंकि हम मूंगफली का तो तेल निकालते हैं, 49 ग्राम है। तो यदि उसके बावजूद आप अगर दुबले पतले हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक्स है, पर अगर आप ओबीज हैं तो इसको अवॉइड करें या मॉडरेशन में लें। अब यदि आप ऐसे सॉल्टेड पीनट की जगह पर मार्केट के अंदर कोटेड पीनट लेने के लिए जाते हैं, तो उसके अंदर कार्ब की मात्रा बढ़ जाती है, 7 से बढ़ के वो लगभग 19, 20 और 26 ग्राम तक पहुंच जाती है। तो इस धोखे में आप मत रहना। अगर आप चाहें तो पीनट्स को रात में सोक करके रख दें, सुबह इसका भेल बना के खा लें, इसके चीले बना के ले सकते हैं, या फिर सॉल्टेड पीनट ले सकते हैं। पर अगर कोटेड पीनट आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें कार्ब की मात्रा बढ़ जाती है, क्रंचीनेस के लिए वो उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के स्टार्चेस वाले आटे डाल देते हैं, जैसे राइस का आटा उसमें डाल देते हैं या फिर मक्का डाल देते हैं, तो उससे उसकी स्टार्च बढ़ जाती है, वो आपकी शुगर बढ़ा सकता है। ऐसे में डॉक्टर एरन्स ने इंट्रोड्यूस किया है पीनट डायबिटीज फ्रेंडली, तो वो क्रंची पीनट्स आप खा सकते हैं, सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मात्र 10 ग्राम के अंदर ही नेट कार्ब है, तो ये आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। तो इस तरह के ऑप्शंस हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अब यहां पर है
इन तीनों बेस्ट स्नैक्स का कंपैरिजन। अगर आप चने का इस्तेमाल करते हैं तो 45% इसके अंदर कार्ब है परंतु प्रोटीन अच्छा है, 22 ग्राम है 100 ग्राम में। तो इसका इस्तेमाल आप सोच करके इसी हिसाब से करें। फिर जो सेकंड है, परंतु यहां पर जो पीनट है, जो चना है, वो अगर आप ओबीज हैं तो आप इस्तेमाल मॉडरेशन में कर सकते हैं, वजन भी घटाने में मदद करेगा क्योंकि फैट इसमें काफी कम है और प्रोटीन का रिच सोर्स है, जीआई इसका कम है। वहीं अगर आप ओबीज हैं और आप पीनट का सेवन कर रहे हैं तो बचें, क्योंकि इसके अंदर फैट की मात्रा है लगभग ऑलमोस्ट 50%, वहीं कार्बोहाइड्रेट मात्र 7 ग्राम है और 26 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है, तो वो अच्छी मात्रा है। पर ओबीज लोग पीनट खाने से बचें, दुबले पतले लोग चना खाने से बचें, दुबले पतले लोग पीनट लें पर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल चेक कर लें। और किसी भी तरह के हो, दुबले हो, ओबीज हो, अगर आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है एडमामे बीन, जिसके अंदर प्रोटीन है 46 ग्राम, जो आपको एक बहुत अच्छा सोर्स मिलता है प्रोटीन का, नॉनवेज से इवन डबल है इसमें प्रोटीन। फिर फाइबर इसके अंदर 14.6 है और नेट कार्ब इसके अंदर मात्र 10-11% है, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस होती है। पर इन तीनों में से कोई भी अवेलेबिलिटी और आपकी चॉइस के हिसाब से आप स्नैकिंग ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बताया कि बिस्किट या फिर सेव भुजिया अल्टर करके जो लो कार्ब वाले ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है उनका सिलेक्शन करें। डॉक्टर एरन के कुकीज भी यूज कर सकते हैं और इन स्नैक्स के साथ में अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हुए आप अपनी इवनिंग्स एंजॉय कर सकते हैं। तो अब ये सभी प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजोन पर और लॉन्ग लिव लाइफ पर। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं परचेज लिंक डाल रहा हूं, वहां से जाके आप अमेजोन से इसको अवेल कर सकते हैं और या फिर लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डायबिटीज के पेशेंट्स हाथ पैर पतला होने, मसल मास कम होने की शिकायत अक्सर करते हैं। ऐसे में समस्या आती है प्रोटीन की। ऐसे में लोग अलग अलग प्रोटीन के सोर्सेज की तलाश में रहते हैं, इसीलिए डॉक्टर एरन पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडमामे बीन, जिसमें दाल, बादाम, पनीर, यहाँ तक कि फिश और चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन है। लेकिन ये पूरी तरह वेजिटेरियन है और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ाता। इसे आप शाम के नाश्ते में या फिर यात्रा के समय हेल्दी स्नैक के रूप में ले सकते हैं। तो आज ही आजमाइए डॉक्टर एरन का डायबिटीज फ्रेंडली एडमामे बीन, शुगर कंट्रोल बड़ी आसानी से।